ए भाई लोग, भेजू हाँ कैसा भाई है? ठीक हूँ। अबे यार बहुत बड़ी कंपनी है भाई, ये देखा कहाँ से भाई, क्या तेरा हो भाई गया? यहाँ लग गया है। ये कहते हैं ये 25 मुरब्बे हैं, हो लाखों की इनकम मिलेगी, अच्छा चेक वीजे गड़ियाँ गड़ियाँ कार भी मिलती है इनको, ग्रुप पे और लेजेंड। तेरा भाई यहाँ लग रहा है कैसा है? झूठ है भाई ये सब। अबे ये कोई हेड पता ऑफिस है, कहाँ ये से ये कॉन्फ्रेंस दुनिया रूम का है। नक्शे में, ऐसे ही मैप बना लिया है, कंप्यूटर पे बना लिया होगा ए भाई ऐसे ही। चिंपी नहीं कर, इनका एक टीचर है मेरे ये कहीं पास, से कोई साबित नहीं सुन है। ले सुन ले भाई सुन ले, इनका एक टीचर है मेरे पास कादी शफीकुर रहमान, वो कुछ दम करते हैं, कहते हैं ये सच है, भाई ये फ्रॉड है, वो कहीं ले साबित जाते हैं नहीं दिखाते है। हैं, सुन लेते हैं। भाई चल साहब भाई कैसे हैं सुन, आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल सर ठीक जी, ठाक। क्या है, एक्सप्लेन दिस मेरे भाई को। ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग आंखें बंद करें। अब आप इस तरफ देखें ज़रा, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या है। ये खड़े हो जाएं ज़रा, अब आंखें खोलें, सामने देखें। ये हेडक्वार्टर है, ये उसका मेन गेट है, ये उसकी मेन एंट्रेंस है। अब आइए मैं आपको आगे दिखाऊंगी, ये उसका, ये बहुत इंटरनेशनल ट्रेनिंग हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, यहाँ तकरीबन 5,000 लोगों की कॉन्फ्रेंस हो सकती है। इसके पीछे सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, ये इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है टीएनएस का, जो आप सामने वाले बिल्डिंग में देख रहे हैं। ये फ्लाइंग लाइन का मोनो लगा हुआ, लोगो लगा हुआ है सामने, फेजू लाला साहब सच रे। त्यांजिन ताइजिसिन हॉस्पिटल आ जाता है, ये हॉट स्प्रिंग है, ये होटल्स हैं इसके पीछे 5-7 स्टार होटल्स। ये पूरा जो रकबा है, ये पूरा इलाका है, ये इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है। इस वक्त पूरी दुनिया में जो नेटवर्क मार्केटिंग का काम कर रही है कंपनी, उसमें दुनिया का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर जो है वो टीएनएस का हेडक्वार्टर है, जिसके अंदर इस वक्त हम खड़े हैं और जो मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे, मेरा यहाँ इस हेडक्वार्टर का छठा विज़िट है, 6th time मैं इसमें आ रहा हूँ अभी, और मुझे 8 साल हो गए हैं इस ग्रुप के साथ काम करते हुए। इस्लामाबाद से आपने इस काम का आगाज़ किया था, जब मैंने इस काम का आगाज़ किया था तो मुझे भी एक ड्रीम लगता था, एक ख्वाब लगता था। मेरे सामने जब ये मैप लाया गया तो मेरे जहन में भी बहुत सारे सवाल थे, क्वेश्चन थे कि ये क्या ये हकीकत भी होगी या नहीं, कि ये सिर्फ किताबों पर है या सिर्फ तस्वीरों में है ये चीज़। लेकिन उसके ठीक 6 माह बाद जब मैंने यहाँ पर वर्किंग की, काम किया, तो मुझे यहाँ का टूर मिला। जब फर्स्ट टूर मैंने यहाँ का किया तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो मेरी सोच से भी ज़्यादा बड़ी कंपनी है और इसका सिस्टम बहुत बड़ा है। सो उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपनी तमाम एनर्जी, तमाम सलाहियतें जो हैं वो इसी काम के ऊपर लगाऊंगा। सो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 8 साल हो गए, इस 8 साल के अरसे के अंदर मैंने अपनी ज़िंदगी के तमाम जो बेसिक ड्रीम्स हैं वो फुलफ़िल किए हैं, एक बहुत बड़ी टीम जनरेट की है, और अपनी गाड़ी, घर, इंटरनेशनल टूर्स, हज उम्र, और ये जितनी भी एक बेसिक ड्रीम्स होते हैं एक इंसान के, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरी की है। और उससे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी ज़बरदस्त टाइगर टीम दी है, जो कराची किंग्स हैं, टाइगर्स हैं, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड बनाया, एक रिकॉर्ड बनाया है। सो इतनी ज़बरदस्त टीम है। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त छठे टूर अपनी टीम के साथ इंजॉय कर रहा हूँ, और आप सब लोगों को भी मैं इनवाइट करता हूँ कि आप भी आएँ हमारे साथ काम करें, अपने बच्चों को यहाँ भेजें, इस यूनिवर्सिटी में भेजें, इस सिस्टम में भेजें, वो भी हमारे साथ काम करें, और आने वाले दिनों के अंदर वो भी ये लग्जरी टूर एंजॉय करें और हमारे साथ आएँ और इस हेडक्वार्टर को भी देखें, मिस्टर चेयरमैन ली जिनयोन को भी मिलें, और दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग है जो हेडक्वार्टर है उसको विज़िट करें, और विज़िट करने के बाद फिर आप अपने रिमार्क्स दें और अपना फीडबैक दें कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं। मैं इंशाल्लाह ताला गारंटी से कहता हूँ कि जब आप यहाँ पर आएंगे और हमारे सिस्टम को देखेंगे तो आप रिलैक्स फील करेंगे, आप सेटिस्फाई होंगे और आप फख्र करेंगे कि आप इतने बड़े ग्रुप का हिस्सा हैं, उसके अंदर आप काम कर रहे हैं और उसके ज़रिए आप अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर रहे हैं। सो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेरी टीम का फ़ख्र, मेरे पूरे ग्रुप का फ़ख्र, ज़मीर मलिक फ्राम कराची। ये इनसे पूछेंगे कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस, और आप क्या इस वक्त आपकी व्यूज़, आपकी तासरात क्या हैं इस विज़िट को करने के बाद। उसामा हमारे साथ हैं, हम सदिक साहब हैं, अंकल हमारे साथ हैं, और हमारे साथ सरफराज अवान साहब, सिल्वर लाइन है माशाल्लाह, फरमान अली, और इसी तरह हमारे साथ बिलाल भाई हैं। ये एक पूरा ग्रुप है जो हम अर्ली मॉर्निंग निकले हैं, नमाज़ पढ़ी और उसके बाद हम विज़िट पर निकले, और ये सारा इसको हमने देखा, विज़िट किया। ये आप सामने देख रहे हैं यूनाइटेड नेशन के फ्लैग्स आपको नज़र आ रहे हैं, टीएनएस के फ्लैग के साथ। यूनाइटेड नेशन हमारी कंपनी को ये एजाज़ हासिल है कि इसको, ये शायद दुनिया में उन चंद कंपनियों में टीएनएस का शुमार होता है जिसको यूएन ने अपना फ्लैग गिफ्ट किया है। कि आप देख रहे हैं कि हमारी मेन एंट्रेंस के ऊपर ये यूनाइटेड नेशन के फ्लैग्स जो हैं वो लहरा रहे हैं, और ये एक एजाज़ हासिल है, और ये सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी है हमारी कंपनी की कि
ये यूएन की फ्लैग होल्डर कंपनी है, यूनाइटेड नेशन ने इसको अपनी एन ऑनरेरी मेंबरशिप दी हुई है। ये क्रेडिबिलिटी, ये वजह है कि आज 24 साल हुई है पूरी दुनिया के अंदर टीएनस एक बहुत बड़ी कंपनी बनी, टीएनस एक ब्रांड बन चुका है इन यूरोप, अमेरिका, पूरी जदीद दुनिया के अंदर और तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर टीएनस की वर्किंग है और इस वक्त 6 करोड़ से ज़्यादा लोग इस ग्रुप के साथ वाबस्त हो चुके हैं। सो इस सिचुएशन के अंदर हम तमाम आप लोगों को जो इस वीडियो को, इस क्लिप को देख रहे हैं, आपको इन्वाइट करेंगे कि आप आएँ इस ग्लोबल चेन का, इस ग्लोबल सिस्टम का हिस्सा बने, इसका पार्ट बने और इसके अंदर अपनी सलाहितों को परफॉर्म करें और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करें। तो ये है आज का मेरा मैसेज इस हेडक्वार्टर के अंदर। अब मैं ओवर थ्रू हूँगा जमीर मलिक साहब की तरफ के। जनाब आप इस बारे में आपको क्या जी, उस्तादों की जबानी ये 25 मुरब्बे तो आपके साथ साबित हो गए। इसको देखकर भी कोई ना माने तो उस शख्स को तो मैं अबू जहल का नाम दूंगा जो देखकर भी ना माना था, निकम्मा, बेशरम, बेबाक। और यहाँ थोड़ा सा दर्द भी बयान करूँगा। अलम इकबाल से कि लाख पाकिज़ा हो किसी मुफलिस का शबाब, वक्त के हाथ कहीं दाग लगा देते हैं। मैं तो मिट्टी का कदना सा पैकर हूँ, लोग तो मरियम पे भी इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो ये 25 मुरब्बों पर बड़े इल्ज़ाम लगे थे। तो इसी दौरान मैं अपने ख़ानदान भी मैसेज देना चाहता हूँ। आज मेरे पापा जानी मेरे साथ हैं और पापा की भी कुछ फीलिंग्स हैं, मैं पापा को भी लाइफ दूंगा और पापा के कुछ अल्फाज हैं तो वो आपसे थोड़ी गपशप लगाएंगे। अब वो उर्दू में आएँ, पंजाबी में आएँ, थोड़ी सी पापा ने कबड्डी खेलनी है। अबू हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस कंपनी को बिल्कुल नहीं मानता था, बल्कि बेटे को गाली देता था कि भाई ये गलत कंपनी है। लेकिन आज यहाँ पहुँच के मेरा दिल इतना खुश हुआ, मेरा खुशी से आंसू आते हैं। अब मैं अपनी बिरादरी को और खानदान को बोलता हूँ सब इसमें आगे जान हो जा। और वाकई ये कंपनी असली है। क्लैपिंग। ओके जी, तो खुदारा माँ बाप से मैसेज है, हाथ जोड़ता हूँ। तो ऐसी कोई बेचज्जी तालीम अपने बच्चों को ना दें जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ नौकर बनाना हो। बकौल शायर के, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों को। रखते हैं जो हौसला आसमानों को छूने का, उन्हें परवाह नहीं होती नीचे गिर जाने की। इस सिस्टम से एक आखिरी नियत की थी कि माँ बाप को उम्रा करवाना है, पापा जानी साथ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्रा कर चुके हैं। मेरा सिस्टम हक हलाल है, जायज़ है, कानूनी है, सच पर मुश्तमिल है। ऐरे गैरत नथु पत्थू की बातों में ना आएँ, पॉजिटिव हो जाएँ, इसके हलाल के लिए आगे बढ़ें, इन नेमतों को देखें। तभी याला ही रबी को मातु कज़ीबान मुसद्दिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये 60 साल के बुजुर्ग आर्मी से रिटायर हुए। इंग्लिश में, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस कंपनी बिकॉज इन द बिगनिंग आई वॉज थिंकिंग दैट दिस इज ऑल लाइज, बट नाउ आई हैव सीन फ्रॉम माई ओन आइज एंड यू नो सीइंग इज बिलीविंग एंड एफ आई डोंट believe before but now I have full faith on this company and I have seen all the things and I have also met the chairman Mr. Lee Chin Yon and the Mr. Steve and other big people here and I am very much impressed and I am as inspired by the this company and I think that I will also become and tabai te kamai tabai to kamai मिस्टर ओसामा, हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सर आज जो है जितने हम खुश हैं, आपको हम अपनी अल्फाज बयान नहीं कर सकते कि जो चीज़ हमने मैप पे देखी थी, बिजनेस किट पे देखी थी, हम वीडियोस में देखते थे, बाकायदा हम खुद उसको लेक्चर देते थे, आज हमें वो रियल में नज़र आ रही है। सामने आपको नज़र आ रहा है हमारा कंपनी का लोगो, फ्लाइंग लाइन, बैक पे जी हेड ऑफिस, सामने कॉन्फ्रेंस सेंटर, ये जी मेन जो है गेट कंपनी का, जो सारी चीज़ें मुझे सच नज़र सामने वेलास। तो खुशी आपको महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि अल्फाज नहीं हमारे पास कि हम कैसे कैसे आपको बताएं कि इस वक्त हमारे में क्या फीलिंग्स है। खैर बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, दुआओं की दरख्वास्त है, मेहनत करें, एक साल के अरसे के बाद जाके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो खुदा रहा फजूल की बातों से बचें, थोड़ी मेहनत करें, एक साल का इंशाल्लाह टाइम पीरियड, एक साल बाद आप इंशाल्लाह आपको ये देखना नसीब होगा। मुझे 13 माह की मेहनत के बाद ये देखना नसीब हुआ है। इंशाल्लाह आप मेहनत करें, आगे निकलेंगे। लास्ट में आपके लिए शेर, इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खैज मौजों से वो घबराया नहीं करते। सो प्लीज़ इरादे पुख्ता करके मेहनत शुरू करें और इंशाल्लाह हेडक्वार्टर का विज़िट करें। थैंक यू। हाँ नाइस जी, मिस्टर फैज़ान न्यूली 8 स्टार बनने जा रहे हैं। क्या है मोटिवेशन का उनका लेवल, क्या अल्फाज हैं उनके पास, यहाँ अच्छे अच्छे उनसे अल्फाज भी अदा नहीं होते। खैर जी फैज़ान, अस्सलाम वालेकुम टाइगर्स फैमिलीज, फैंस फैमिलीज, तमाम सुनने वाले। सो सबसे पहले अपने रब तआला का शुक्र अदा करूँगा कि जिस कंपनी का मैंने 3 साल इंतज़ार किया
मैं लोगों को बताता था ऐसा होगा, ये होगा, ये कंपनी में ये डिपार्ट है, इस तरह का डिपार्ट है, ये फलां चीज़ है, ये फलां कॉन्फ्रेंस सेंटर। सो आज मैं अपनी जागती आंखों से इतनी बड़ी कंपनी देख रहा हूँ और चार दिन से हम घूम रहे हैं, कंपनी ख़त्म नहीं हो रही, हम थक जाते हैं रोज़ाना रात को जाके फिर सो जाते हैं, कंपनी ख़त्म नहीं हो रही, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी कंपनी। सो आज मैं वो दावा करने जा रहा हूँ कि जो दावा मेरे उस्ताद करते थे हज़ारों लोगों के दरमियान, वो कलमे की शहादत देते थे, आज इंशाल्लाह अब दूसरा ज़मीर मलिक भी आएगा इंशाल्लाह फैज़ान के नाम से, वो भी इंशाल्लाह अब कलमे की शहादत देगा कि कलमे की शहादत है, मेरा सिस्टम 101% कानूनी है, 101% एक नंबर है, हाँ लेकिन हर एक को नहीं मिलता। मैं अपनी ट्रेनिंग में कहता हूँ तीन चीज़ों पे जो बिलीव करता है 100% उसको कामयाबी मिलेगी, अगर उसे ना मिले फैज़ान उसे अपनी हर कामयाबी उसके नाम करेगा। वो पहली चीज़ होती है का अपने अल्लाह पाक पर यकीन, वो हर मुसलमान का यकीन होता है। दूसरी चीज़ मैं कहता हूँ सिस्टम पर यकीन रखना है, कंपनी पर यकीन रखना है। तो मेरे भाई कंपनी पे यकीन के लिए मैं आजकल मैं की शहादत देता हूँ कि सिस्टम 101% कानूनी है। आज आपके सामने ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है, सर ज़मीर के वाली साहब भी साथ और उनकी फीलिंग्स, उनका रोना, मुझे भी वो रोना आ गया था कि इतनी बड़ी कंपनी और इसके साथ तीसरा बिलीव अपने आप पर। सो अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, टारगेट मुकम्मल करें, कामयाबी की तरफ आगे बढ़ें। आप भी खुद आकर यहाँ पर देखें कि कामयाबी कैसी होती, कितनी बड़ी कंपनी है। सो मजीद नेक्स्ट हमारे साथ होंगे, हम खुश नसीब है हमारे साथ हमारे उस्ताद मोहतरम भी शामिल हैं, सर काजी शफीकुर रहमान साहब और सर फराज आवान साहब, सो टॉप लीडर ऑफ और जी नेक्स्ट गपशप लग रही है सरफराज भाई से सिल्वर लाइन ऑफ टीएस पाकिस्तान न्यूली सिल्वर लाइन। सर मुबारक, और सर क्या बयान करेंगे कंपनी की सदाकत के मुतालिक पाकिस्तानियों के लिए, क्या है सच है झूठ है, ये बहस खत्म करें ना। थैंक यू वेरी मच जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं चलते हो तो चीन को चलिए, एक 1000 किलोमीटर का सफर तय करना 100 किताबें पढ़ने से बेहतर है। तो वो चीज़ हमने प्रैक्टिकली यहाँ पे देखी है, तो इंसान हर एक एक कदम के ऊपर सीखता है, समझता है। तो बहुत कुछ, मैं मेरी लाइफ का आगाज़ एक जॉब से हुआ, बिकॉज जॉब के बारे में सुना था कि हमारे ड्रीम्स नौकरी से पूरे होंगे, लेकिन नौकरी तो सिर्फ दाल रोटी के गिर्द ही घुमाती है सारी ज़िंदगी। तो फिर बड़ा बनने का, बड़ा हासिल करने का शौक़ था, तो एक दोस्त के थ्रू अल्लाह ने सबब बनाया और ये प्लेटफॉर्म देखने का मौका मिला। बिलीव तो नहीं था एज़ यूजुअल, जैसे किसी भी चीज़ को फर्स्ट टाइम बंदा देखता है किसी प्लेटफॉर्म को तो बिलीव नहीं आता। सो इसको स्टडी करने का मौका मिला, इसको करीब आने का मौका मिला, तो वो सारे खदशात हकीकत में चेंज हो गए। उसके उल्ट वो सारा कुछ हुआ, जो मेरे खदशात थे वो सारा उसके बरक्स निकला। तो सो मैंने इस प्लेटफॉर्म पे काम स्टार्ट किया पार्ट टाइम। जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग छोटे मोटे काम करते हैं, वो उनके लिए मेरा ये मैसेज है, वो ये मेरी फीलिंग्स जान सकते हैं। तो मैंने भी अपनी जॉब के साथ इस काम का आगाज़ किया और करता गया, और एक टाइम आया साल दो साल के बाद, सुना करते थे कि 2 साल बाद यहाँ पे लाइफ चेंज हो जाती है, तो मेरे साथ हुआ, मेरी ज़िंदगी चेंज हुई। 2 साल के बाद मैंने एक सरकारी नौकरी को रिज़ाइन किया और फुल टाइम मैंने इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हो गया। अभी जैसे पहले भी दोस्तों ने अर्ज़ किया, मेरा भी ये मैं 4th दफ़ा यानी 4th टाइम यहाँ पे इस हेडक्वार्टर को विज़िट कर रहा हूँ। आप मेरी बैग पे देख सकते हैं, अभी हम मॉर्निंग वॉक पे निकले और साथ साथ मेरी बड़ी अच्छी कम्युनिटी, माशाल्लाह दोस्त, मेरी टीम, सारे हम मौजूद हैं, हम एक फैमिली हैं, टियांस फैमिली। तो एक विजन, एक ड्रीम और एक टारगेट लेके यहाँ से निकले और बहुत कुछ सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा यहाँ पे 7 डेज का ट्रिप हुआ, ऑलमोस्ट 2 दिन बाद हमारी वापसी होगी, और बहुत कुछ यहाँ से जो सीखा वो अपने लोगों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए लेके जाएंगे। तो मेरी ये गुजारिश है उन लोगों से कि बगैर जाने बगैर समझे मत कमेंट्स करें, आप इसको समझें, इसको जानें, इसको स्टडी करें। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा, वो टाइम दूर नहीं होगा जिस दिन आप भी हमारे साथ यहाँ खड़े होके अपने व्यूज लोगों तक पहुँचा रहे होंगे। आपके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। प्लीज़ जितने पॉजिटिव लोगों थे उन्होंने आपको मैसेज दिया, और इस मैसेज को आप पॉजिटिव लें, अगर आप पॉजिटिव हैं इस पर अमल करें, इस सिस्टम का हिस्सा बने और सिस्टम को ज्वाइन करें। अगर सब कुछ देख कर आप नहीं मानते तो वो बिल्कुल ऐसे ही है कि नासिहा मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराता है। नासिहा मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराता है, उसे दुश्मन जानता हूँ,
जो मुझे समझाता है, तो खुदा रहा समझाने वाले को दुश्मन ना समझें, ज़रा मुखलिस हो जाएं। अगर सारे ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं, सिस्टम कैसा बने, इंशाल्लाह नेक्स्ट ग्रुप में भी हम आपको ज्वाइन करेंगे। ये 190 मुल्क के फ्लैग यहाँ मौजूद हैं और इन्हीं में हाँ मैं आपको पाकिस्तान के प्यारे मुल्क का परचम दिखाना चाहता हूँ। अपने दोस्त चाइना की सरजमीन पर कितना क्यूट लिखता है, ये देखिए जी, इस मुल्क की कामयाबी और कामरानी के लिए सिस्टम को आगे बढ़ाना है, मेहनत करनी। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, दुआओं की दरख्वास्त। टेक केयर।